तो कल हमें वीवो के फोल्ड फोन को यूज करने का मौका मिला एंड उसे यूज करने के बाद हमने बोल दिया सैमसंग फोल्ड को बाय बाय टाटा। तो ऐसी पांच चीजें बताता हूँ इस फोल्ड फोन के बारे में जो कि इस फोन को बिल्कुल डिफरेंट बना देती है अदर फोल्डेबल फोन से। तो जितने भी फोल्डेबल फोन आपने देखे ना आज तक, जब हम उन्हें फोल्ड कर देते हैं वो यू शेप में फोल्ड होते हैं, लेकिन ये वीवो का फोल्डेबल फोन वाटर ड्रॉप शेप में फोल्ड होता है। और इसके जो हिंजेस है ना उसमें से एक पार्ट ऊपर की तरफ आता है जो कि जैकोरियम मेटल का बना है। ये एक तरीके से लिक्विड एलॉय है जिस पर स्क्रीन रेस्ट करती है और इसी वजह से इसमें जो क्रीज का साइज है वो बिल्कुल कम है। दूसरा, जितने भी अभी तक मैंने फोल्डेबल फोन यूज करे थे उसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर था। ये पहला फोन है जिसके अंदर 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर यूज करा है, वो भी दो जगह, बाहर वाली डिस्प्ले पे अलग, अंदर वाली डिस्प्ले पे अलग। रजिस्टर कहीं से भी करो लेकिन अनलॉक आप कहीं से भी कर सकते हो। और OnePlus जैसी कंपनी जहां पर अलर्ट स्लाइडर हटा रही है, वीवो ने भाई अलर्ट स्लाइडर दिया है इस फोन के अंदर। और सैमसंग के मैंने फोल्ड फोन यूज करे ना, इसमें साइड साइड में रबर पैडिंग नहीं होती, प्लास्टिक सी होती है, लेकिन वीवो ने रबर पैडिंग दी है जिसकी वजह से जब आप फोन को फोल्ड करोगे तो भाई इसके अंदर डस्ट नहीं जाती और इसके डैमेज होने के चांसेस भी कम हो